डोर से नहीं लगी तक जेता बाघ खोलो बाघ पिछा हंस लो गुल पिछा। ये रहा अपने कुल देवता का मंदिर, जय भैरवनाथ। देख लो पहले ही मंदिर के अंदर चले चुके हैं। हाँ ते दी कुल देवता ची बाबू। तो दोस्तों जब हमारी दादी यहाँ पे रहती थी तो उस टाइम पे यहाँ पे फल फ्रूट के जार, जार। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं परी भाई हमारे प्यारो गढ़वाल की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज जो है कि मंगलवार है और मैं जा रहा हूँ अपने कुल देवता के पास। वहाँ पे थोड़ा पूजा रखी है तो दिखाता हूँ आपको अपने कुल देवता का मंदिर। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह का टाइम और सूरज देवता भी खिल चुके हैं और पहाड़ों का नज़ारा कुछ इस प्रकार से कुछ अलग ही व्यू आ रहा। और अभी जो है कि अपना छोटू भी तैयार हो चुका है तो आरब तो भी ओणू कख अच्छा मतलब तो डोर से नहीं लगी तक जेता तो बाघ खोल बाघ पिचास लगुल पिचास अच्छा। और ये रहा अपना क्यूट बेबी, इधर देख कैमरे पे, देख कैमरे पे देख। हाय बोलना, हाय ये कैमरे पे देख, कैमरे पे देखो, कैमरे पे देखो, पाए फोन हो, फोन ही हो फोन। तो दोस्तों हम लोग जाएंगे शुरवाली रोड पे क्योंकि चमाचोरी पे पड़ता है। हमारा पुराना घर भी वहीं पे था तो गाड़ी से जा रहे हैं हम। जो दूसरी गाड़ी ली थी तो देवता पे जो है कि सिरा रखा था कि एक मुर्गा मारेंगे, गाड़ी आएगी जैसे ही दूसरी वाली। तो यहाँ से ऊपर को जाएंगे हम लोग। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम लोग अपने कुल देवता के मंदिर पे, ठीक सामने पे है और गाड़ी लग चुकी है अपनी पार्किंग में। और यहाँ पे ठीक सामने पे है बहुत घना जंगल। यहाँ पे जंगली जानवर इतने होते हैं कि शेर भालू भूलू इतने ज़्यादा आते थे ना बचपन में। हम लोग जो है कि यहीं रहते थे ना तो हमने देखे हैं बहुत बार। ये रहा अपने कुल देवता का मंदिर, जय भैरवनाथ। भूमियाल देवता ही बोलते हैं, भैरवनाथ जो मतलब अपने जगह की रक्षा करते हैं तो भैरवनाथ उन्हें बोलते हैं। इन दोनों को देख लो, पहले ही मंदिर के अंदर चले चुके हैं और अंदर ही बैठ गए। और तो और कुंडी भी लगा दी, यहाँ लॉक लगा दिया। तो दोस्तों आज की डेट में हम जो कुछ भी हैं अपने कुल देवता की वजह से, इनकी बहुत बड़ी कृपा है हम पे। तो अभी लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को अपने पुरानी हवेली पे, मतलब जो पुराना घर था वहाँ पे लेके चलता हूँ। वैसे तो खंडहर हो चुका है, दिखाता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों ये रहा अपना पुराना घर जो कि पूरा खंडहर हो चुका है। अब यहाँ पर कोई नहीं रहता, सारे लोग नीचे ही रहते हैं गाँव में। और वो रास्ते ठीक सामने में माल्टे का पेड़ अभी तक बचा हुआ है। वो लास्ट तक तो मेरी दादी जी रही यहाँ पे, फिर वो भी नीचे गांव में आ चुकी थी। तो वहीं पे ये मान के चलो कि यहाँ पे काफ़ी फल फ्रूट के पेड़ थे, काफ़ी कुछ था। और ये रही पानी की डिग्गी। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके अब, मगर क्या करे कोई रहता है नहीं। तो दोस्तों मैं जब भी यहाँ आता हूँ ना ऊपर तो मेरे तो मन करता है कि यहाँ से नीचे ना जाऊँ, यहीं अपने लिए घर बना लूँ और यहीं रुका रहूँ और यहीं रह लूँ हमेशा के लिए। यहाँ पे आके ना सुकून सा महसूस होता है, ना कोई हल्ला है, ना कोई शोरगुल, कुछ नहीं है, बस प्रकृति की देन है यहाँ पे। और पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ और जंगली जानवर हैं यहाँ पे बस, जो कि परेशान नहीं करते किसी को बेवजह।
तो यो पहना उन्होंने कहन बोल पहली हैं कि लाया तू यो पहना जन बेटी पढ़ दू हाँ ते दी कुल दिया ताची बाबू तो दोस्तों जब हमारी दादी यहाँ पे रहती थी तो उस टाइम पे यहाँ पे फल फ्रूट के पेड़ इतने थे, माल्टा नारंगी संतरे और सब्जियाँ बहुत प्रकार की दादी ने लगा रखी रहती थी। तो अभी तक भी मतलब कुछ पेड़ अभी भी बचे हैं, ये देख लो ये उस चीज़ का पेड़ है, क्या बोलते हैं नींबू का पेड़। फल फ्रूट तो नहीं लगते अब इन पर क्योंकि यहाँ पर कोई देखने वाला तो है नहीं, तो बस ऐसे ही अभी भी मतलब थोड़ा बहुत पेड़ बचे हैं यहाँ पर फल फ्रूट के। और यहाँ का वातावरण इतना साफ़ है कि पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ तक साफ सुनाई दे रही है, आप लोग सुन सकते हो। और ये मुर्गा हमने देवता के लिए रखा था, अभी ना मुर्गे ने बहुत टाइम लगा दिया। जूनियाल नहीं झाड़ा है, चावलों को जो है कि मुर्गे के ऊपर डाला जाता है उन्हें जूनियाल बोलते हैं, और मुर्गा जो है कि उन्हें झाड़ता है फिर उसे मार देते हैं। अभी मुर्गे ने जूनियाल ले ली और मार भी दिया मुर्गे को। तो फाइनली दोस्तों अपनी पूजा हो चुकी है कंप्लीट, तो इसके बाद जाएंगे हम लोग घर की ओर। अगर आपको ब्लॉग थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे से आप लोगों को ऐसी वीडियो देखने का मौका मिल सके और हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।